सो सोहेगा स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के YouTube चैनल में और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी, बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड को लेकर जो एक शुगर सेक्टर की कंपनी है आपने एक चीज़ नोट की होगी कल की वीडियो में आपको एक चीज़ बताई थी परसों की वीडियो में भी मैंने इसके ऊपर जो वीडियो बनाया था वहाँ पर भी आपको एक अपडेट दी थी कि जो बजाज हिंदुस्तान शुगर है या फिर जितने भी शुगर सेक्टर की कंपनियाँ हैं जिनको सेवेंटी फाइव रिवेन्यू एथेनॉल प्रोडक्शन से आता है ठीक है सेवेंटी परसेंट के करीब आप लोग दे जो रिवेन्यू आता है वो एथेनॉल प्रोडक्शन से आता है और उसी के ऊपर गवर्नमेंट ने जो ना भी एक बड़ा फैसला ले लिया था और फैसला क्या था कि एथेनॉल प्रोडक्शन जो चीनी से बनाया जाता है एथेनॉल उसके ऊपर जो भी बैन ना बैन लगाना क्योंकि आगे इनको जो ना भी चीनी के प्रोडक्शन में जो ना भी कमी महसूस हो रही थी इसीलिए जो ना भी गवर्नमेंट का ये फैसला था भाई गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ ऐसे किसी को नुकसान करा के या फिर किसी को आ, ऐसी खबरें लाकर किसी के नुकसान हो ऐसा नहीं चाहती कुछ ना कुछ वो भी आगे का देखकर ही जो ना भी ऐसे फैसले लेती हैं तो उन्हें आगे जो आ, और बहुत सारी आ, देश हैं जिसके अंदर जो ना भी शुगर की कमी के कारण आप लोग देखोगे जो है भी वहाँ पर एकदम से त्रासदी आ जाती है तो इसी प्रकार यहाँ पर भी आगे शुगर के जो है भी आ, प्रोडक्शन है उसके अंदर जो ना भी थोड़ा गिरावट देखने को मिला था इसीलिए जो ना भी फैसला लिया गया अभी टाइम जो ना उसी फैसले को जो ना भी तोड़ मोड़ कर फिर से जो ना भी एक नया रूल निकाल दिया गया है तो वही सबसे बड़ी अपडेट आई थी कि पहले तो बिल्कुल मना कर दिया था बैन लगा दिया लेकिन अब उन्होंने क्या बोला है कि आप लोग 17 लाख टन ओनली यूज कर सकते हो एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए तो जैसे ये न्यूज आई है और मार्केट के अंदर जो ना भी तो फिर से आप लोग देखो शुगर सेक्टर की कंपनी है वो हमें एकदम से बूम पर दिखाई दी है जी हाँ एक बार फिर से आप लोग देखोगे गुड न्यूज़ का देखो भाई असर तो पॉजिटिव ही रहेगा ठीक है जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो पूरा का पूरा असर रहता है पूरे सेक्टर के ऊपर तो इसीलिए आज जो शुगर सेक्टर की कंपनी है कोई भी उठा लो बजाज हिंदुस्तान शुगर है पराज इंडस्ट्री है या फिर आप लोग देखोगे अवध शुगर है रेणुका है और बलरामपुर चीनी मिल है धामपुर सुगर है तो सभी स्टॉक्स में रैली बनी हुई है तो चलिए अब देखते भी इसके आगे के क्या कुछ माहौल बन सकते हैं क्या फ्रेश एंट्री का माहौल स्टॉक में है अभी के टाइम या फिर नहीं वॉल्यूम की बात की जाए तो दो करोड़ साठ लाख के करीब वॉल्यूम है तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका चार्ट तो यहां पर आप लोग देख सकते हो भी जो ब्रेकआउट स्टॉक में होना था वो हमें यहां पर देखने को मिला है बजाज हिंदुस्तान शुगर में आज के दिन ठीक है और जो स्टॉक है ये फिर से आप लोग देखोगे भी ऊपर में जाने के लिए तैयार है आप लोगों को देखो अभी तीस रुपये चालीस पैसे के आस, तीस रुपए के आसपास का जो ना भी ऊपर में बताया था रजिस्टेंस ये लेवल ब्रेक होगा तो स्टॉक आपको ऊपर में जो ना फिर से आप लोग देखोगे पैंतीस रुपए के आसपास की जो मूवमेंट है वो दिखा सकता है तो यहाँ से स्टॉक में फिर से काफी शानदार वापसी होते हुए नजर आई है ठीक है और स्टॉक की जो ओपनिंग है वो भी जबरदस्त हुई है भाई ओपनिंग आप लोग देखोगे जबरदस्त हुई है तीस रुपये बीस पैसे के आसपास ओपन हुआ स्टॉक फिर उसके बाद जो है ना भी स्टॉक नीचे में भी आया थोड़ा बहुत ठीक है वो आया भी उनतीस सत्तर के आसपास और जो हाई गया अभी तीस पिछहत्तर का स्टॉक है ना हाई भी लगाया आज का तो ये इसके है तो नीचे में सपोर्ट अभी के टाइम क्या बना हुआ देखो एक तो इसका जो ट्रेंड है वो बना हुआ है तो ट्रेंड लाइन जो है इसकी बिल्कुल पॉजिटिव है स्टॉक में जो है ना भी एक स्ट्रांग अप ट्रेंड बना हुआ है इसके साथ ही मैंने चौबीस रुपये अस्सी पैसे और बाईस बहत्तर के नीचे में आपको दो सपोर्ट बताए थे वो खबर आई थी तब की बात है उसके बाद यहाँ से आप लोगों स्टॉक की फिर से वापसी और ये स्टॉक आपको जो है ना ऊपर में मे भी एक जबरदस्त मोमेंटम दिखाएगा और फिर से जो है अभी पैंतीस के आसपास के जो मोमेंट है स्टॉक में बनने के चांस है ठीक है बाय होल्ड सेल खुद की रिसर्च एनालिसिस करके करना जो खबरें हैं उसी वेस्ट पर जो अब स्टॉक पे ये मूवमेंट्स बनते हुए नजर आए हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो